life, every day, late at night, not okay, all I want. वेलकम बैक टू द अनदर डे विद अनदर व्लॉग। तो अगर आप देहरादून के लोकलाइट से तो आप समझ गए होंगे कि मैं कहाँ से बात कर रही हूँ। तो मैं आज बात कर रही हूँ सीधे के सीधा बुद्धा टेम्पल से। तो कैसे आप सब लोग, आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपन भी एकदम बढ़िया है। तो मैं आ रही हूँ आज बुद्धा टेम्पल, और लास्ट टाइम आई वॉज हियर इन 2017 आई थिंक, वो भी मेरे बर्थडे के दिन। तब से मैं आज 5 साल बाद बुद्धा टेम्पल को विजिट कर रही हूँ। तो आज है संडे, मैंने सोचा है इवनिंग के टाइम पे चलते हैं, टाइम स्पेंड करने के लिए मस्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट जो है बहुत ही पीसफुल है और यहाँ पे ग्रीनरी है, तो इवनिंग स्पेंड करने के लिए सब बेस्ट प्लेस। सो बुद्धा प्लेस जो है देहरादून का वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेम्पल और जो है वन ऑफ द मोस्ट फेमस सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में से एक है। तो ये रहा जो है सबसे बड़ा स्तूपा जो है बुद्धा टेम्पल का, उसके आगे मैं खड़ी हूँ। अभी मैं नीचे जा रही हूँ, और कोविड के टाइम से आई थिंक 2020 मतलब कोविड के टाइम से बंद ही था, और अभी जो लोग काफ़ी डाउट में रहते कि अभी खुल गया है कि नहीं खुल गया है, तो अभी जो है खुल गया है। ये आप देख सकते हो मेरे पीछे लोग काफ़ी जो है मात्रा में बुद्धा टेम्पल को विज़िट कर रहे हैं, और इवनिंग का टाइम है ना। अभी देखना आप, अभी 4 बज रहे हैं और चार से छः बजते बजते यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो यहाँ पर आपको टूरिस्ट दिख रहे होंगे चारों ओर। अगर आपको पता नहीं है तो बुद्धा टेम्पल जो है क्लेमेंट टाउन में है, और अगर आप देहरादून के लोकलाइट से तो आपको पता है यहाँ तक कैसे पहुँचना है, लेकिन आप टूरिस्ट हैं तो आपको पहले ISBT आना पड़ेगा, और ISBT से 3 किलोमीटर या 3 या 4 किलोमीटर के अंदर आपका बुद्धा टेम्पल है। और यहाँ आना और इन खूबसूरत वादियों का मजा लेना। सबसे बड़ा इशू होता है कि ऑफ डे कौन सा होता है और टाइमिंग क्या होती है। तो मंडे टू सैटरडे इट इज़ 10 AM से रहता है आपका, 10 AM से 1 PM तक, हाँ आई गेस 10 AM से स्टार्ट होता है और 1 PM तक, उसके बाद 2 बजे खुलता है दिन में, ये ध्यान रखना 2 बजे खुलता है। लेकिन ये गलती मत करना कि आप यहाँ 2 बजे आ जाओ, मतलब कोशिश करना कि आप 4 बजे के बाद ही आना, क्योंकि ये जो धूप है ना, मैं भी यहाँ पे 3 बजे पहुँच चुकी, धूप आँखों में इतनी चुभ रही है ना, मैं लकी थी कि मैं छाता लेके आ गई। जैसा कि मैंने कहा कि सबसे बड़ा स्तूपा है यहाँ पे, तो मैं उसकी तरफ ही बढ़ रही हूँ, एंड आई कांट होल्ड इट कैमरा बाय माय लेफ्ट हैंड, इसलिए मैं राइट हैंड से होल्ड किया, और राइट हैंड पे मेरे स्तूपा है। तो मैं बैक कैमरा खोल के आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे क्या व्यू है यार, कल तो यहीं से देख लो यार आप क्या व्यू है। मैंने कहा था ना ये जगह अपनी जो है ग्रीनरी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पीस है, एंड जो है अब मैं जाऊँगी इसके अंदर। पहले तो अलाउ नहीं था, और अभी भी जो इसका टॉप फ्लोर है ना वहाँ जाना अलाउ नहीं है, और अंदर कैमरा ले जाना भी अलाउ नहीं है, तो इसके टॉप फ्लोर पे जाना अलाउ नहीं है। पहले जाना अलाउ था, लेकिन वहाँ पे शायद कुछ सुसाइडल अटैम्प्ट वगैरह को अवॉइड करने के लिए उसको अभी बंद कर दिया गया है। आपको भी अगर बौद्धिस्ट धर्म और तिब्बतियन लोगों के बारे में कुछ जानना है ना, तो यहाँ पर ज़रूर आ जाना और लामा वगैरह से बात कर लेना, क्योंकि मैंने उनसे कुछ नॉलेज लेने की कोशिश की, बट वो थोड़ा उनको हिंदी बोलने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं ज़्यादा कुछ अंडरस्टैंड नहीं कर पाई। तो फिलहाल मेरे पीछे ये 4 स्तूपास 4 ये रहे, और 4 उस साइड है, कैमरे में पता नहीं आते हैं नहीं आते हैं, तो 4 उस साइड हैं। तो इनको बोलते हैं बोधिसत्व, जैसे हमारे भगवान मानते हैं ना वैसे ये बुद्ध के अवतार माने जाते हैं 8, तो उनपे उनके लिए जो है 4 स्तूपा बना रखे हैं। और वहाँ पे बहुत बड़ा बुद्ध का स्टैचू है, वहाँ मैं अभी गई नहीं हूँ, थोड़ी देर बाद वहाँ पे भी विजिट करूँगी, आपको भी दिखाऊँगी बुद्ध का कितना बड़ा स्टैचू है। तो ये रही मेरे पीछे प्रेयर व्हील्स, तो इनमें जो है मंत्रास लिखे होते हैं, और इसमें एक बड़ी सी घंटी लगी है, और वो घंटी से छोटी छोटी घंटियाँ पूरे मंदिर तक जा रखी है, वो मैं आपको बैक कैमरा ऑन करके दिखाऊंगी। तो इसे घुमाना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इसमें इनकी भाषा में कोई मंत्रास लिखे हैं, तो मैंने बहुत ज़्यादा पाप किए हैं, मैं भी घुमा के ज़रा अपना पाप धुल लेती हूँ। और जिस हिसाब से लोग एफर्ट लगा रहे थे, मुझे लगा बहुत भारी है, तो मेरे को तो और भी लगेगा, बहुत ज़्यादा पाप किए मैंने, मेरे को दोनों हाथों से घुमाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे कैमरा ऑफ करना पड़ेगा। ईशा बोल कहाँ गया दूसरा। तो ये देखो मैं ये जो कह रही थी ना, बेल पूरे मंदिर तक जा रही है, मतलब आपकी प्रेयर्स पूरे भगवान के कानों तक पहुँच जाएंगी।
करके भी, तो ग्राउंड फ्लोर में भी बुद्धा जी की मूर्ति है। सेकंड फ्लोर में जो है पूरे जो बुद्धा की मूर्ति है वो पूरी गोल्ड से बनी हुई है, और उसके अराउंड सारे जो है बुद्ध के जितने भी शिष्य थे और उनके जितने भी अवतार थे उनकी सारी मूर्तियाँ, और करीब 350 से भी ज़्यादा हैं। और थर्ड फ्लोर पे गए थे, थर्ड फ्लोर भी काफ़ी अच्छा है, सेंटर पे वहाँ पे भी एक मंदिर है, उसमें कोई मूर्ति नहीं है और उसके चारों ओर मूर्तियाँ हैं, एंड देन वहाँ पे उनके श्लोक्स वगैरह लिखे गए हैं, मंत्रास जो भी हैं। एंड फोर्थ फ्लोर पे मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे प्रोहिबिटेड है जाना, अभी मेरे ख्याल से सुसाइडल अटैम्प्ट को अवॉइड करने के लिए जो है वहाँ पे जाना अभी बंद कर रखा है, सख्त बंद कर रखा है। मेरे को सुनने में आया था कि संडे को जाने देता है, इसलिए मैंने संडे चूज़ किया था आने के लिए, लेकिन नो, अभी जाना मना ही है। और ये रहे गौतम बुद्ध के शिष्य गुरु पद्मसंभवा, इनकी यहाँ पे बहुत बड़ी मूर्ति है। इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाती हूँ, ये मेरे पीछे जो कार है ना, ये इनके 14वें धर्मगुरु दलाई लामा जी की कार है, ये देखो। और इसके बारे में डिटेल्स यहाँ पे लिखे गए हैं, जो भी मतलब इनको स्तूपा की तरह इसके भी दर्शन करने के लिए यहाँ पे रखा हुआ है। और ये देखिए आप, इसके अंदर दलाई लामा जी की फ़ोटो लगी हुई है, टिन जूम करते हैं, दिख रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है रियल में बैठे हुए होंगे। तो ये रही भगवान बुद्ध के जो शिष्य थे गुरु पद्मसंभव, उनकी मूर्ति ऐसे देखनी पड़ रही है ऐसे। और शाम हो गई है और हम दूसरे पार्ट में आ गए अब, क्योंकि लेट हो गए। और ये मेरे पीछे है भगवान बुद्ध की मूर्ति, जो लास्ट वाला स्तूप था वो था 270 फीट का, एंड दिस इज़ 180 फीट के, तो दोनों काफ़ी बड़े हैं, इनको ऐसा देखना पड़ रहा है। तो क्लियर नहीं आ रही क्योंकि अभी अंधेरा हो चुका है, मुझे भी यहाँ से अब जल्द से जल्दी निकलना चाहिए, क्योंकि फिर पता नहीं जाने के लिए यहाँ पे मुझे विक्रम वगैरह मिलता ही नहीं मिलता। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे बताऊँ मैं तुम्हें, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मतलब यहाँ पे देखो कितनी सारी प्रेयर व्हील्स है, और कहते हैं अगर आप इनको क्लॉकवाइज घुमाते हो ना तो आप जो है लाखों पापों से आपको मुक्ति मिल जाती है, मतलब आपको पुण्यों का फल मिल जाता है, लाखों पुण्यों का। तो अब आ गए हम सेकंड वाले पार्ट में, रात काफ़ी हो चुकी है इसलिए क्लियरली भी नहीं दिख रहा होगा, बट स्टिल ब्यूटीफुल लग रहा है, नहीं लग रहा, सनसेट होने वाला। और बुद्धा की मूर्ति जो लास्ट वाला स्तूप था वो 270 फीट का था और ये 180 फीट का है, तो दोनों काफ़ी बड़े स्टैचू है, ऐसे देखने पड़ रहे हैं सामने से। और मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज हमारे पास प्रेयरिंग व्हील्स, और अगर आप इनको घुमाते हो तो आपके सारे बहुत सारे पाप धुल जाएंगे और लाखों पुण्य का फल आपको एक ही बारी में मिल जाएगा। तो इनको घुमाते हैं, पहले मैं काफ़ी पाप धो चुकी हूँ, एक दो बच्चों में यहाँ पे धुल जाएंगे सारे के सारे। तो ये ना बुद्ध की मूर्ति के चारों ओर है, इनको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। तो यार ये भगवान बुद्ध जी की मूर्ति के नीचे स्पेस है, अब यहाँ पे घूमते हैं एंड देन घर को निकलते हैं। स्पेस नहीं है, थोड़ा सा ही है, मुझे लगा चारों तरफ होगा बट नहीं है।